यहाँ हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो सेटअप है, या तो आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया होगा, अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो वो ऐसी शेप में होगा, अगर आपने सी डी वगैरह से लिया है तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी। इसको मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। सी डी में अगर आपने लिया है तो वहाँ पर इस शक्ल का होगा, अगर आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो इस शक्ल का होगा। दोनों सूरतों में आप उसको डबल क्लिक करके खोलें, और जब यहाँ पहुँच जाएँ तो आपने ये सेटअप की फ़ाइल है इसको डबल क्लिक करना है। तो जब हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं कोई चीज़, तो वो तो जिप शक्ल में होती है, जैसे यहाँ पर आईएसओ शक्ल में है, तो जिप फाइल अनजिप होने में थोड़ा सा वक्त लेती है। अगर आप सीडी से इंस्टॉल कर लें तो उसमें शुरू में इतना वक्त नहीं लगेगा, हम उस वक्त इंतज़ार कर लेते हैं कि जब तक ये अनजिप ना हो जाए पूरे तरीके से। सेटअप हमारा तकरीबन अनजिप हो गया है, या तो आप इसको सीधा सीधा इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें, या फिर इसको कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है बाज़ दफ़ा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का जो सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं। वर्ड के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो ऑफिस में काम आने वाली चीज़ें इसके अंदर रखी जाती हैं। तो अगर आप या तो चाहें तो इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दें, सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दें, इससे भी कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन मुझे इसमें से बाज़ चीज़ें नहीं चाहिए होती तो मैं उनको शामिल नहीं रखता हूँ, जैसे कि इन्फो पाथ है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती, वन नोट मुझे चाहिए होता है, आउटलुक की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ईमेल वगैरह भेजने और वसूल करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है। इसी तरह पब्लिशर मुझे नहीं चाहिए होता, शेयर पॉइंट वर्क स्पेस ये भी नहीं चाहिए, विजो व्यूअर भी नहीं चाहिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे चाहिए तो उनको मैं रख देता हूँ। तो ये इन चीज़ों को करते हुए मैं अब इनको इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का अमल शुरू हो जाएगा, और ये जो पट्टी है यहाँ से पूरी चलेगी, और जब तक ये आखिर तक ना पहुँच जाए इंस्टॉलेशन का अमल चलता रहेगा। इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाए तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आती है, आप इसको यहाँ से सिंपली क्लोज़ कर दें तो आपकी इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी।